दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए खास है। खास क्यों है कि यहाँ पर इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ अराउंड 50 बाइक्स के आसपास में और 125 सीसी से लेकर 1000 सीसी तक। तो बने रही वीडियो के साथ और आपको मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर स्कूटर के साथ में। ये जो स्कूटर आप देख रहे हो ये है जोनटस का 350E और ये 350 सीसी का स्कूटर आ जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 36 हॉर्स पावर की और 38 Nm का टॉर्क मिल जाता है। काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर ये स्कूटर आ जाता है। काफ़ी इलेक्ट्रिक यहाँ पर फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे विंड स्क्रीन ऊपर हो जाती है, बाकी यहाँ पर ये सारा ऑपरेट बटन से ही होता है। काफ़ी एडवांस ये स्कूटर हो जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम यहाँ पर दिया गया है सीट को ओपन करने के लिए। प्राइस अराउंड 4.5 से 5 लाख रुपये के आसपास जाएगा। वहीं ये जो आप स्कूटर देख रहे हैं ये जोनटस का 350D है और ये थोड़ा सा छोटा स्कूटर आता है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो ये भी काफ़ी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर भी पावर सेम मिलती है, मतलब 350 सीसी का है, 36 हॉर्स पावर का इंजन दिया गया है और 38 Nm का यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है, लेकिन वेट के मामले में थोड़ा उससे कम है, लगभग 10 kg वेट कम हो जाता है। वहीं अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये है जोनटस की 350X। ये बाइक आप देख रहे हैं ना, काफ़ी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये भी यहाँ पर 350 सीसी की बाइक आ जाती है और लेकिन यहाँ आप अगर मैं पावर की बात करूँ ना तो यहाँ पर 38 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है और 32 Nm का यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर लगभग 5 इंच की यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऐसी कुछ यहाँ पर बाइक आ जाती है, काफ़ी एग्रेसिव और स्पोर्टी नज़र आती है। तो अगर मैं बताना चाहूँगा कि ये सब कंपनियाँ कुछ इटालियन ब्रांड है, कुछ चाइनीज़ ब्रांड है, कोई यूरोपियन ब्रांड है, लेकिन है क्या कि इनकी असेंबलिंग हैदराबाद में ही की जाती है। दोस्तों ये रही मोटर मोरनी की बाइक और ये आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर कुछ आपको रेट्रो और कुछ मॉडर्न टच देने की कोशिश की गई है। और ये यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी अलग यहाँ पर डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाती है। इसका फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं काफ़ी ह्यूज है और फ्रंट पर यहाँ पर LED लाइट, LED DRL दिए गए हैं, प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ में ये बाइक आ जाती है। और ये है 650 सीसी की बाइक, यह 650 सीसी की बाइक आ जाती है। 55 हॉर्स पावर का यहाँ पर इंजन मिलता है और 54 Nm का यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है। 15.5 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया गया है। बाकी सभी बाइक का डिटेल में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अब आ जाते हैं, ये भी है मोटर मोरिनी की, ये बाइक आ जाती है। यहाँ पर क्या अजीब सा नाम लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर क्या है कि ये स्पोक व्हील के साथ में आ जाती है और ये एक तरीके से ऑफ रोडर बाइक हो जाती है। 650 सीसी का यहाँ पर इंजन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर टॉर्क 54 Nm का मिल जाता है, 55 हॉर्स का यहाँ पर पावर मिल जाता है 8250 RPM पे। तो कुछ ऐसी ये बाइक आ जाती है। यहाँ पर USD 4 के दिए गए हैं और ये पूरा यहाँ पर गोल्डन फिनिश के साथ में यहाँ पर आ जाती है। चलिए बात करते हैं एक और बाइक की, ये है मोटो मोरनी। एक तरीके से आप देख रहे हैं ये लॉन्ग टूरर बाइक है, इसमें पैनियर्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है और ये आप लॉन्ग टूरिंग कर सकते हैं। बड़ी सी यहाँ पर स्क्रीन देखने को मिलती है और ये यहाँ पर एडजस्टेबल लीवर वगैरह दिए गए हैं। और अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो ये भी 650 सीसी की आ जाती है, 60 हॉर्स पावर मिलता है और 54 Nm का यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक मोटो मोरनी की कैप 650 बाइक है और ये भी आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी उससे अलग है। इसमें क्या है कि ये भी एक शानदार बाइक हो जाती है, 649 सीसी का यहाँ पर दिया गया है। फ्रंट पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ जाते हैं, LED के साथ में आ जाती है, बड़ी सी यहाँ पर विंडशील्ड दी गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं इधर यहाँ पर बात करूँ तो ये इधर यहाँ पर जोनटस की बाइक आ जाती है और यहाँ पर क्या है कि ये 350 सीसी की बाइक है, 38 हॉर्स पावर का इंजन मिल जाता है, 32 Nm का टॉर्क मिल जाता है। तो ये यहाँ पर ये क्रूज़र बाइक डिज़ाइन की गई है। ये जो आप बाइक देख रहे हैं ये है जोनटस की GK स्पोर्ट कैफे 350, ये आ जाती है। इसका टैंक वगैरह आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, कॉम्पैक्ट आ जाता है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये स्पोक व्हील के साथ में आ जाती है। रियर टायर आप देख रहे हैं काफ़ी चौड़ा यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। और इस बाइक की अगर मैं बात करूँ 350 सीसी की ये बाइक आ जाती है, 38 हॉर्स पावर का इंजन है, 32 Nm का यहाँ पर टॉर्क देखने को मिल जाता है। और फ्रंट पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, LED DRL दिया गया है। तो ये कुछ ऐसी यहाँ पर बाइक हो जाती है। वहीं अगर मैं ऊपर यहाँ पर बात करूँ तो ये भी यहाँ पर एक जोनटस की बाइक आ जाती है, इसका नाम है GI 200। तो ये बाइक भी आ जाती है 200 सीसी में और 21 हॉर्स पावर का यहाँ पर इंजन देखने को मिलता है, स्पोक व्हील के साथ में आ जाती है। ये भी एक जोनटस की बाइक आ जाती है और इसका नाम है 350T एडवेंचर, ये यहाँ पर एडवेंचर बाइक हो जाती है। और अगर मैं पावर की बात करूँ तो यहाँ पर 38 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है, 32 Nm का यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है। ये बाइक आप देख रहे हैं ये बाइक काफ़ी अलग नज़र आती है। ये है जोनटस की 200 सीसी की बाइक GT 200
पूरी अलग डिज़ाइन रखी गई है। जैसे फ्रंट का आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, स्पोक व्हील दिए गए हैं। बाकी है क्या कि यहाँ पर ये रियर पर मोनोशॉक अब्जॉर्बर आ जाते हैं और यहाँ पर 21 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है, 19 एनएम का यहाँ पर टॉर्क आ जाता है। चाहे आप यहाँ पर सीट देखें या फिर आप देखें इसका फ्यूल टैंक, फुली डिजिटल यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। और बाकी अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर आपको एक बाइक और देखने को मिल जा रही होगी, ये है यहाँ पर QJ मोटर्स की बाइक, या QJ मोटर्स की ये बाइक आ जाती है 400 SR के। फ्रंट आप देखेंगे ना तो कुछ आपको देखा देखा सा नज़र आएगा, कावासाकी की बाइक याद दिलाएगा। यहाँ पर क्या है कि ये आ जाती है 400 cc की बाइक है, 40 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है और 37 Nm का यहाँ पर टॉर्क देखने को मिल जाता है। सीट आप देखेंगे रहे ना, काफ़ी प्रीमियम यहाँ पर डिज़ाइन की गई है, काफ़ी अलग सी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और ये टैंक आप देख रहे हैं, टैंक काफ़ी ऊपर की तरफ में रखा गया है, काफ़ी स्पोर्टी फील कराती है ये बाइक। यहाँ पर SRK 700, ये QJ मोटर्स की बाइक है और ये आ जाती है 698 cc की। पावर इसमें मैसिव मिलता है, 72 Nm का यहाँ पर टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो ऐसी कुछ यहाँ पर बाइक हो जाती है। वहीं अगर मैं आगे और बढ़ूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है QJ मोटर्स की SRK 400 RR। तो यहाँ पर क्या है, ये भी 400 cc की आ जाती है यहाँ पर, लेकिन पावर मिलता है 41 हॉर्स पावर का, 37 Nm का टॉर्क मिल जाता है और ये 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ में आ जाती है। यहाँ पर USD4 का आ जाते हैं, डुअल चैनल ABS के साथ में ये बाइक आ जाती है। यहाँ पर विंडशील्ड थोड़ी सी छोटी मिलती है और बाकी आप देख रहे हैं ना, तो आप इसका कंपैरिजन आप देखेंगे कि जैसे R15 देखने को मिलती है उससे ये बड़ी थोड़ी सी बाइक यहाँ पर नज़र आती है। अब बात करते हैं, ये QJ मोटर्स की 300 SRV है और ये बाइक यहाँ पर मॉडर्न और रेट्रो और क्लासिकल लुक के साथ में आ जाती है। और ये यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे ये यहाँ पर एडजस्टेबल लीवर देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट पर यहाँ पर LED लाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है और ये यहाँ पर USB4 के साथ में आ जाता है, बड़ा सा यहाँ पर रेडिएटर देखने को मिल जाता है। ये लिक्विड कूल इंजन के साथ में आ जाती है, 300 cc की बाइक है, 30 हॉर्स पावर मिलता है, 26 Nm का टॉर्क मिल जाता है और इसका वेट है 164 kg। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना बैक से कितनी लंबी सी यहाँ पर टेल लैंप देखने को मिलती है, काफ़ी अलग ये बाइक नज़र आती है। तो ये है QJ मोटर्स की SRV 125। अब इसका नाम सिर्फ 125 रखा गया है लेकिन एक्चुअल में जो इसकी पावर है वो मिलती है एक 150 cc की बाइक की तरह। तो यहाँ पर क्या है कि 14.7 हॉर्स पावर का इंजन मिल जाता है और 12.1 Nm का टॉर्क मिल जाता है, लेकिन इसका वेट 150 kg है। मतलब 125 cc की बाइक में इतना वेट नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और एक तरीके से ये क्रूज़र बाइक आ जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे ना डुअल चार्जिंग सिस्टम दिया गया है, मतलब USB केबल लगा कर भी आप चार्ज कर सकते हो और टाइप सी चार्जर भी लगा के चार्ज कर सकते हो। छोटी सी यहाँ पर डिजिटल में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ये कलर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। और QJ मोटर्स की टूरिज्म SRC 250, ये 250 cc की बाइक आ जाती है। यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे स्पोक व्हील के साथ में आ जाती है, टेलीस्कोपिक यहाँ पर सस्पेंशन दिए गए हैं, हेलोजन बल्ब के साथ में ये बाइक आ जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना इसके मीटर के डिज़ाइन काफ़ी अलग डिज़ाइन किया गया है और हैंडल क्रोम फिनिश्ड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सीट की बात करें तो लंबी सी सीट यहाँ पर आ जाती है, कुछ ऐसी ये बाइक यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और ये है 250 cc की बाइक जो कि पावर प्रोड्यूस करती है अराउंड 7 हॉर्स पावर की। ये दोस्तों बाइक आ जाती है QJ मोटर्स की 125 cc की बाइक है, लेकिन आप देखेंगे ना ये यहाँ पर पावर प्रोड्यूस करती है 10.5 PS के आसपास। लेकिन दोस्तों है क्या कि ये बाइक आप 125 cc के कहेंगे नहीं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं एक लंबी सी बाइक आ जाती है और ये बाइक देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, खासतौर पर जो यहाँ पर कलर स्कीम यूज़ की गई है, जिस तरह से ये बाइक बड़ी हो जाती है और यहाँ साइड में ये सब देख रहे हैं ना क्रोम का ट्रीटमेंट किस तरह से किया गया है, तो ये बाइक काफ़ी अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर व्हील देख रहे हैं, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया, काफ़ी अलग ये बाइक नज़र आती है। लेकिन ये 125 cc की बाइक है, मतलब देखने में कहीं से भी 125 cc की नहीं लगती है। वहीं या इधर आ जाते हैं तो ये है कीवे की बाइक। जी दोस्तों, ये इस काफ़ी स्पोर्टी नज़र आती है, ये स्ट्रीट स्पोर्ट बाइक है और ये है K300R। इसमें 300 cc का इंजन मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 27.50 हॉर्स पावर की और 25 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। 12 लीटर का यहाँ बड़ा सा टैंक आ जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इधर, तो ये भी है कीवे की K300N और इसका डिज़ाइन काफ़ी अलग रखा गया है, USD4 का आ जाते हैं, गोल्डन फिनिश में रखा गया है। इसका हेडलैम्प आप देख रहे हैं काफ़ी अलग यहाँ डिज़ाइन किया गया है, LED DRL के साथ में आ जाता है और यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। 140x60 सेक्शन का रियर पे टायर मिल जाता है, 110x70 सेक्शन का यहाँ पर मिल जाता है फ्रंट का टायर।
बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं लिक्विड कूल इंजन के साथ में ये बाइक आ जाती है। 25 Nm का टॉर्क मिल जाता है और 27 Hp यहाँ पर मिलती है। स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है और कुछ ऐसा यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है। अगली बाइक की ओर बढ़ें तो ये है कीवे की SR 250, ये 250 cc की बाइक है, लेकिन आप देखोगे तो बिल्कुल भी आपको ये 250 cc की बाइक नहीं लगेगी। वजह ये है कि इसका ये 250 cc में भी आती है और 125 cc में भी बाइक आती है। वो जो आप बाइक देख रहे हैं ना, वो देखिए 250 cc में और ये 125 cc में बाइक इधर यहाँ पर खड़ी हुई है। जैसे RX 125 या ये यमहा की RX जो बाइक आती है उसकी याद दिलाएगा, पर लोगों की जो डिमांड है उस तरह से ये पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, 16 Hp का इंजन मिलता है, 16 Nm का यहाँ पर टॉर्क भी मिलता है और ये मैटे ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर ये आपको इसकी सीट देखे ना, जैसे कैफे रेसर जिस तरह से कैफे रेसर बाइक में देखने को मिलता है वैसा कुछ यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। स्पोक व्हील के साथ में आ जाती है और फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पर ऐसा डिज़ाइन किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी यहाँ पर। तो ये है 125 cc की बाइक कीवे की SR 125। इसमें 9.7 Hp का इंजन मिलता है। बाकी यहाँ हेड लैम्प आप देख रहे हैं काफ़ी छोटा सा डिज़ाइन किया गया है। हेलोजन बल्ब के साथ में ये बाइक आ जाती है और 8.2 Nm का यहाँ पर टॉर्क मिलता है। ये रही कीवे की बाइक और इसका आप लोग देखेंगे तो काफ़ी अलग है। 250 cc की बाइक है। फ्रंट पर हेडलाइट आप देख रहे हैं ना, कितना सारा काम किया गया है। LED दिया गया है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प बीच में दिया गया है, कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। और 18.7 Hp का इंजन है, 19 Nm का यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है। ये है के लाइट 250V। इसमें टोटल 3 कलर का ऑप्शन मिलता है और इसका हैंडल आप देख रहे हैं ना, क्या बड़ा सा हैंडल यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर छोटी सी स्क्रीन आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो टैकोमीटर है कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है। सीट की डिज़ाइनिंग भी देख रहे हैं, काफ़ी अलग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसका साइलेंसर आप देख रहे हैं ना, कैसा यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट के साथ में ये बाइक यहाँ पर आ जाती है। वहीं लिक्विड कूल्ड यहाँ पर इंजन दिया गया है। विद ट्विन इंजन के साथ में ये बाइक आ जाती है 4 वॉल्व के साथ में। तो अगली बाइक है यहाँ पर ये बेंडा की BD 700। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर इसकी डिज़ाइन खास तौर पे जो इसका यहाँ पर टायर है, रियर टायर, वो 310x3518 मिल जाता है। काफ़ी ह्यूज टायर आ जाता है। खास तौर पे यहाँ पर जो इसका डिज़ाइन रखा गया है ना, ये इंडिया में इस तरह की बाइक्स बहुत कम देखने को मिलती है। जो इसका यहाँ पर आप साइलेंसर देख रहे हैं ना, काफ़ी अलग तरह से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। और ये डुअल चैनल ABS के साथ में ये बाइक आ जाती है। अगर मैं बात करूँ ये कितने CC की बाइक है, अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 680 cc का डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, 92 Hp का इंजन मिलता है और 63 Nm का यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है। अगली बाइक है यहाँ पर बेंडा की डार्क फ्लैग्स। और यहाँ पर ये बाइक देख रहे हैं, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। अलग चीज़ इसमें यह है कि ये एयर सस्पेंशन के साथ में आ जाती है। यहाँ पर क्या है कि आप बटन दबाकर इस बाइक का सस्पेंशन ऊपर कर सकते हो और आप बटन दबाकर इसका सस्पेंशन नीचे भी कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अराउंड 60 Nm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ भी जाता है। ऐसे कुछ यहाँ पर ये बाइक आ जाती है। इसको बोलते हैं बेंडा की डार्क फ्लैग और इसमें इंजन दिया गया है 500 cc का, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 53 Hp की और 42 Nm का यहाँ पर टॉर्क देखने को मिल जाता है। चलिए अगली बाइक की ओर हम आपको ले चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये बाइक है बेंडा की LFS 700। ये काफ़ी अलग यहाँ पर बाइक नज़र आती है। जो यहाँ पर पेंट जिस तरह से यूज़ किया गया ना, वो काफ़ी अलग हो जाता है। ये एक 700 cc की बाइक है। और यहाँ पर जो इसका एग्जॉस्ट आप देखेंगे ना, ये यहाँ पर साइलेंसर ये आया हुआ है और ये यहाँ पर डुअल बैरल के साथ में देखने को मिल जाता है। टायर काफ़ी मैसिव है और जब आप बैठोगे ना इस पर और रोड पे लेके निकलोगे तो आपको अलग से लोग नोटिस करेंगे। लेकिन इसका जो पेंट यहाँ पर जो इस तरह से यूज़ किया गया है, वो काफ़ी अलग यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगली बाइक की ओर हम चलते हैं और इधर आपको लेकर आते हैं। तो ये रही बेनेली की बाइक, 800 cc की बाइक आ जाती है और ये काफ़ी अलग यहाँ पर नज़र आती है। वेल फिनिश्ड आपको देखने को मिलती है, छोटी सी सीट आ जाती है। टायर आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो 180x55 का मिल जाता है। डुअल चैनल ABS के साथ में ये बाइक आ जाती है। USD फोर्क दिए गए हैं गोल्डन फिनिश में। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर लाइन देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसी यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। 750 cc की बाइक है और यहाँ पर लिक्विड कूल ट्विन सिलेंडर इंजन यहाँ पर मिल जाता है। और इसके अलावा क्या है कि 75 Hp का इंजन दिया गया है और 67 Nm का यहाँ पर टॉर्क आ जाता है। और फ्रंट की हेडलाइट आप देखेंगे ना, कुछ ऐसे देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा क्या है कि ये 212 kg का वेट है और 15 लीटर का यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक आ जाता है। अगली जो बेनेली की बाइक है, ये है बेनेली 500। और यहाँ पर क्या है कि 500 cc का इंजन दिया गया है, 46 Hp का
पावर आउटपुट मिल जाता है, 46 NM का यहाँ पर टॉर्क भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे 12.7 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। यहाँ पर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है और ऐसा कुछ डिज़ाइन किया गया है। इधर यहाँ पर गियर एडजस्टेबल लीवर भी देखने को मिल जाते हैं, USD4 के साथ में आ जाता है। फ्रंट पर आप हेडलाइट की डिजाइनिंग देख रहे हैं, काफ़ी वर्क किया गया है। यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ जाता है ऊपर की तरफ में, यहाँ पर लाइट्स कुछ ऐसी दी गई हैं। और साइड से अगर लुक की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। अगली एक बाइक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है यहाँ पर ADB यानी बेनेली की बाइक TRK 502। ये बाइक आप देख रहे हैं ना, पायनियर के साथ में आ जाती है, यानी लॉन्ग टूरर बाइक हो जाती है। आप आराम से इसको लेके निकल जाओ, खराब रास्तों पर भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अगर मैं मिड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 190 mm का मिल जाता है, 20 लीटर का एक बड़ा सा यहाँ पर मिल जाता है फ्यूल टैंक। चार्जर इधर यहाँ पर साइड में दिया गया है, वहीं आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा यहाँ पर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर देखने को मिल जाता है और ये यहाँ पर एडजस्टेबल लीवर आ जाते हैं। और इसके अगर मैं सस्पेंशन आप देखेंगे, लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। और अगली बाइक यहाँ पर है, ये भी बेनेली की ADV रेंज की बाइक आ जाती है, 502 स्कूटर पे लगाया, और ये यहाँ पर लिमिटेड एडिशन आ जाता है। ये येलो कलर आप देख रहे हैं ना, काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। और इसमें 500 cc का इंजन दिया गया है, 47 PS की पावर मिलती है और 46 NM का टॉर्क मिल जाता है। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 220 mm का, तो एक बड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर दिया गया है। बाकी ये बाइक आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर इसका विंडशील्ड काफ़ी ऊपर हो जाता है, जिससे क्या है कि हवा से बचने के लिए आसान रहेगा। वहीं अनदर बाइक है यहाँ पर बेनेली की 502 C, और ये 500 cc की बाइक आ जाती है, 47 PS की पावर मिलती है और 46 NM का यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है। 21 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया गया है। टैंक आप देख रहे हो ना, कितना बड़ा सा यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। साइड से आप बाइक को देखेंगे कुछ ऐसी नज़र आती है। और यहाँ पर सीट और इसके बीच में टायर के बीच में काफ़ी डिफरेंस मिल जाता है, अच्छा खासा गैप दिया गया है। मोनोशॉक ऑब्जर्वर आ जाते हैं, और रियर से भी आप देखेंगे तो ऐसा कुछ डिज़ाइन किया गया है। और ये यहाँ पर देख रहे हैं तो ये यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट ऐसा कुछ डिज़ाइन किया गया है। और इसका हेडलैम्प आप देखेंगे ना तो काफ़ी अलग मॉन्स्टर लुक यहाँ पर दे रहा है। ट्विन सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूलिंग 4 वॉल्व के साथ में ये बाइक आ जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ अगली बाइक की ओर, तो ये रही बेनेली की 752S। ये जो ग्रीन कलर है ना, काफ़ी अलग लगता है। इसका हेडलैम्प यहाँ पर देख रहे हैं, 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, बीच में यहाँ पर DRL आ जाते हैं। गोल्डन फिनिश में इसके USD4 देखने को मिल जाते हैं। ये है 750 cc की बाइक और ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन के साथ में आ जाती है। 4 वॉल्व 75 hp का इंजन मिलता है और 67 Nm का यहाँ पर टॉर्क देखने को मिल जाता है। यहाँ पर रेडिएटर आप देखना कितना ह्यूज और कितना बड़ा यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है। लगभग 14.5 लीटर के आसपास फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। और अगर आप इधर से देखेंगे कुछ ऐसी ये बाइक देखने को मिलती है। चलिए अगली बाइक की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं और आपको हम अगली बाइक भी दिखा देते हैं कि आगे अगली कौन सी बाइक है। ये जो आप बाइक देख रहे हैं ना, ये 1000 cc की है, MBP एक ब्रांड है इटालियन, और ये है C1002V। ये आपको ये यहाँ पर क्रूज़र बाइक देखने को मिल जाती है। यहाँ पर क्या है कि ये 1000 cc का इंजन दिया गया है, जो कि 88 पावर आउटपुट मिलता है, 100 Nm का यहाँ पर टॉर्क देखने को मिल जाता है। काफ़ी अलग ये बाइक हो जाती है। और इसका भी टायर आप देख रहे हैं ना, काफ़ी बड़ा यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। और रियर पर अगर मैं आऊँ ना, तो रियर पे भी आप देखेंगे कुछ ऐसा यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। N-Line 4 इंजन यहाँ पर आ जाता है, और रोड पे जब निकलेगी तो साउंड भी काफ़ी अग्रेसिव सुनने को यहाँ पर मिलेगा। चलिए अगली बाइक जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है M500 2N। ये भी MBP की ही बाइक है, ये स्ट्रीट स्पोर्ट फाइटर है, 500 cc का इंजन है, 47 hp का पावर आउटपुट मिलता है। और इसमें है क्या, यहाँ पर 45 Nm का टॉर्क मिल जाता है। कुछ ऐसी यहाँ पर बाइक आ जाती है, बाइक देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। वेल फिनिश ये बाइक देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इस बाइक को। वहीं अगली बाइक की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक और QJ Motors की बाइक। ये है TRX 125 की ये बाइक आ जाती है, और ये 125 cc में आपको ये बाइक लग रही है, ऐसा लगता है कि ये 150 cc की बाइक है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ऑरेंज कलर के देखने को मिल जाते हैं।
USB4 का आ जाते हैं। LED लाइट का सेटअप दिया गया है, साथ में बीच में यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, छोटे से स्लीक सी डिज़ाइन आ जाती है। 11 हॉर्स पावर का पावर आउटपुट मिलता है और 10 Nm का यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है, लेकिन इसका वेट यहाँ पर 142 kg है। स्प्लिट सीट के साथ में आ जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे ना, चार्जर यहाँ पर कुछ दिया गया है, यहाँ पर आप USB केबल लगाकर मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हो। दोस्तों ये है कीवे का 300cc का स्कूटर जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 18 हॉर्स पावर की, 22 Nm का टॉर्क मिल जाता है। यहाँ पर ना 12 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, बड़ा सा फ्यूल टैंक आ जाता है, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। बाकी यहाँ पर आप सीट यहीं से ओपन कर पाते हो, फ्यूल यहाँ से ओपन कर पाते हो, ये यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहीं से आप ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी से आप यहाँ पर ऑन कर पाओगे ऑफ कर पाओगे। तो यहाँ पर काफ़ी अलग बटन दी गई है और कीलेस एंट्री के साथ में ये बाइक आ जाती है। यहाँ पर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है और यहाँ पर सीट की बात करूँ ना, सीट काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है और जब आप इसको लेके निकलोगे तो रोड पे लोग नोटिस जरूर करेंगे। वहीं ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये है कीवे का एक और 300cc का स्कूटर, CXTS करके ये स्कूटर आ जाता है। तो दोस्तों ये एक और स्कूटर आ जाता है कीवे की तरफ से 300cc का, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 18.7 हॉर्स पावर की और 22 Nm का टॉर्क मिलता है। 10 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया गया, लेकिन इसकी जो डिज़ाइनिंग आप देख रहे हैं पूरा क्लासिकल स्कूटर आ जाता है। और क्या प्रीमियम ये स्कूटर यहाँ पर नज़र आता है। और इस स्कूटर पे देखेंगे ना, इसकी सीट वगैरह काफ़ी अलग से डिज़ाइन, अलग तरह से डिज़ाइन की गई है और जैसे पहले स्कूटर आया करते थे उसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसा इसका डिज़ाइनिंग यहाँ पर रखी गई है। अलग अलग कंपनी की बाइक देखने के मिल जाती हैं, कीवे है, क्यूजे मोटर्स है, बेनेली है, बेंडा है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है MBP है, मोटो मोरिनी है। तो इस तरह की यहाँ पर कंपनियाँ हैं जिनकी यहाँ पर बाइक खड़ी हुई हैं। तो ये एक साथ मैंने आपको बाइक्स दिखाई, बाकी इन सभी के अलग अलग वीडियो डिटेल में आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना आप ध्यान रखिए।